सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। टीम इंडिया के ऑलराउंडर युवराज सिंह का परिवार अब एक बड़ी मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है। पत्नी द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोपों का सामना कर रहे युवराज सिंह के छोटे भाई जोरावर सिंह को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है। बता दें कि जोरावर सिंह की पत्नी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा कानून के तहत गुड़गांव में अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था। यह मुकदमा काफी समय से जोरावर के गले की फांस बना हुआ है। जोरावर चाहते थे कि इस मामले में जल्द ही कोई अच्छा फैसला आए और उन्हें इससे मुक्ति मिले, इसलिए उन्होंने हाल ही में इस मुकदमे को गुड़गांव से चंडीगढ़ शिफ्ट करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि दोनों पक्षों के ऊपर चंडीगढ़ की अदालतों में पहले ही 3 मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में गुड़गांव में चल रहे अन्य 2 मामलों को गुड़गांव से चंडीगढ़ शिफ्ट नहीं किया जा सकता। क्रिकेटर युवराज सिंह के छोटे भाई जोरावर और उनकी पत्नी के बीच पिछले कुछ सालों से विवाद चल रहा है। ऐसे में युवराज और उनकी मां शबनम सिंह ने अदालत से मांग की थी कि मीडिया को विवाद की कवरेज करने से रोका जाना चाहिए ताकि उनका परिवार बदनामी से बच सके। इस मामले को लेकर क्रिकेटर युवराज सिंह ने 3 साल पहले जून 2015 में ये याचिका दायर की थी। तब से अब तक 19 सुनवाई हुई है, लेकिन हाई कोर्ट ने किसी पक्ष को नोटिस जारी नहीं किया था। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।